नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के अधिकारियों को बाढ़ में चौकन्ना रहने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने यमुना नदी के जल स्तर की स्थिति व बाढ़ से संबंधित रखी गई आपात बैठक में दिशा निर्देश दिए। उसके बाद उन्होंने हथनी कुंड बैराज का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यमुना नदी पर बढ़ने वाले जल स्तर को देखते हुए अलर्ट रहें ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश आज यहाँ राज्य में हो रही बरसात की स्थिति का जायजा लेते हुए यमुना नदी के जल स्तर की समीक्षा की आपात बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत और पलवल जिलों के उपायुक्तों व अन्य अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यमुना नदी के जल स्तर की जानकारी ली और उनके द्वारा दिए गए और किए गए इंतजामों की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आप लोग सक्रिय रहें और लगातार स्थिति पर नज़र बनाए रखें ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। बैठक के दौरान अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने बताया कि शनिवार सायं 6 बजे 6,05,949 क्यूसेक पानी हथनी कुंड बैराज में निकल चुका है। मुख्यमंत्री को बताया गया कि इससे पहले 2010 में इस बैराज में 8.5 लाख क्यूसेक पानी जा चुका है, जबकि वर्ष 2013 में 7.5 लाख क्यूसेक पानी जा चुका है। बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि हथनी कुंड बैराज में जो 6,05,949 क्यूसेक पानी निकल चुका है, उसकी वर्तमान स्थिति करनाल जिले में यह है कि यह पानी करनाल से होकर के जा रहा है और संभावना है कि यह पानी कल तक दिल्ली में अपनी दस्तक देगा। अधिकारियों का कहना है कि ऐसा भी माना जा रहा है कि इस पानी की रफ्तार 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि हथनी कुंड बैराज में जब 70,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी हो जाता है तो हरियाणा में नहरें बंद कर दी जाती है और इससे ऊपर के पानी को बैराज के 18 दरवाजों के माध्यम से जाने दिया जाता है। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री को करनाल जिला के उपायुक्त व मंडलायुक्त ने बताया कि कल साई हथनी कुंड बैराज में लगभग 6 लाख क्यूसेक पानी निकला है, जो कि अभी वर्तमान में करनाल जिले से होकर के जा रहा है तथा इस पानी का प्रभाव आज साई तक रहेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ने करनाल, यमुनानगर, सोनीपत, पानीपत, पलवल जिलों के अधिकारियों से इसकी स्थिति की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने हथनी कुंड बैराज का हवाई सर्वेक्षण किया। आप देख रहे हैं पल पल की यह खास रिपोर्ट। एक अभी इस मुद्दे के ऊपर मुख्यमंत्री हरियाणा ने एक विस्तृत मीटिंग ली, जिसमें यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, पानीपत, पलवल इन सभी ज़िलों के जिलाधीशों ने, डिप्टी कमिश्नर्स ने भाग लिया और साथ में चीफ सेक्रेटरी हरियाणा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम हरियाणा, एफसीआर और अन्य अधिकारी, सभी सिंचाई विभाग के काफ़ी सारे अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद रहे और सभी अधिकारियों को जो फील्ड में हैं सिंचाई विभाग के और ज़िला प्रशासन के, उनको सीएम साहब ने निर्देश दिए कि कंटिन्यूसली वो मौके के ऊपर अपनी विजिल बनाए रखें और किसी भी तरीके की कोई भी कठिनाई लोगों को ना आने दें। आर्मी को पहले ही अलर्ट किया जा चुका है, उनके पास सूचना है। लोगों से गुजारिश है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। 6 लाख क्यूसेक पानी कल शाम को 6 बजे हथनी कुंड से पास हुआ था और इस समय वो मात्रा लगभग लगभग घट के 1,80,000 पर रह गई है और जो पानी 6 लाख कल यमुनानगर से चला था वो इस समय करनाल के ज़िले को क्रॉस कर रहा है।
और लगभग लगभग 1.5 से 1.5 दिन 2 दिन में ये हरियाणा की दक्षिणी सीमा को दिल्ली होता हुआ, पलवल होता हुआ क्रॉस कर जाएगा। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि यमुना के कैचमेंट में सभी जगह एक साथ बारिश होने के कारण कल लगभग शाम को 6 बजे के करीब 6 लाख क्यूसेक पानी हथनीकुंड बराज से नीचे की तरफ बह रहा था। मैं यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि हथनीकुंड एक बराज है जिसमें पानी को हम डाइवर्ट कर पाते हैं नहरों में, लेकिन जब भी कभी यमुना के अंदर डिस्चार्ज 70,000 क्यूसेक 70,000 क्यूसेक से ऊपर चला जाता है तो उसके बाद पानी की डाइवर्जन कैनाल्स में बंद हो जाती है और वो पानी सारा का सारा यमुना के कोर्स में बहता है। तो ये हरियाणा स्टेट या कोई भी और स्टेट, हरियाणा ही क्यों, अगर हमारे नीचे हम वजीराबाद बराज की बात करें, ओखला बराज की बात करें, जो कि क्रमशः दिल्ली और यूपी जिनको मेंटेन करते हैं, कोई भी स्टेट इस तरीके के फ्लड को ना तो रोकती है ना रोक सकती है। ये पानी ऊपर से जितना आता है उतना ही पानी नीचे की तरफ बहता है और ऐसा संयोग विगत वर्षों में कई बार बना है, 2013 में, 2010 में इससे भी कहीं ज़्यादा पानी आया था जो कि क्रमशः 7.5 लाख और 8 लाख भी क्रॉस कर गया था। अब दूसरा प्रश्न ये है कि जब कभी इस तरीके की स्थिति उत्पन्न होती है, मैं पहले बता चुका हूँ कि ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब यमुना का जो कैचमेंट है वो सारे कैचमेंट में और यमुना की ट्रिब्यूटरीज के सारे कैचमेंट में एक साथ बारिश हो जाती है, तो काफ़ी सारा पानी इकट्ठा होकर सभी ट्रिब्यूटरीज के थ्रू और यमुना के थ्रू अल्टीमेटली आकर हथनीकुंड बराज पहुँच जाता है। इस तरीके की परिस्थितियों में हमें सबसे पहला कार्य ये करना होता है कि हम उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को सूचित करें, जिससे आम जनता को ये बात पता हो कि इस तरीके से यमुना में ज़्यादा पानी आने की संभावना है। आप सभी जानते हैं कि यमुना के बेड में काफ़ी सारे लोग खेती करते हैं और भी अन्य कारणों से वो यमुना के बेड को क्रॉस करते रहते हैं जिन दिनों में पानी कम रहता है, तो इस तरीके के लोगों को सूचित करना, ख़ास तौर से जो यमुना के बैंक के साथ जो लोग रह रहे हैं उनको सूचित करना कि वो कम से कम 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए किसी अन्य स्थान पर, निकट के स्थान पर शिफ्ट कर जाएं, जिससे कि अगर कोई ऐसी संभावना बने कि उनकी बस्ती में पानी भरे। हालांकि ईश्वर की कृपा से अभी तक की स्थिति जो है उसके अनुसार कहीं भी किसी भी गांव में आबादी में पानी अभी नहीं गया है और हम ऐसी उम्मीद करते हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि किसी भी बस्ती में पानी ना जाए। सभी बस्तियों को अच्छी तरीके से पहले उनके चारों तरफ रिंग बांध्स बनाए हुए हैं। इसके अलावा भी प्रशासन ने और सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने इकट्ठे होकर वो पूरी तरह मुस्तैद हैं, सभी तरीके के प्रबंध किए हैं। पोकलेन मशीन से लेके, जेसीबी मशीन से लेके, ट्रैक्टर ट्रॉलीज, बल्लियाँ, पत्थर, सैंड बैग्स और छोटी से छोटी चीज़ जैसे कि MS वायर, हर चीज़ की पूरी स्टॉकिंग कर ली गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि उसकी हमें आवश्यकता शायद नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर किसी भी कारणवश हमें आवश्यकता पड़ती है तो हम पूरी तरीके से सक्षम हैं और हम पूरा प्रयास करेंगे कि उससे किसी भी प्रकार की आम जनता को कोई कठिनाई ना आए। तो लोगों में ये किसी भी तरीके की भ्रांति अपने दिमाग में ना रखें, यमुना में पानी आता है, हर साल तो इतना पानी नहीं आता लेकिन 5-7 सालों में, 10 साल में इस तरीके की एक बार स्थिति बनती है जबकि पानी यमुना में ज़्यादा आता है और वो पानी यमुना के बेड के थ्रू निकल भी जाता है। इस प्रकार से जहाँ तक ये बात कही जा रही है कि हरियाणा ने HKB से कोई पानी छोड़ा है, मैं पुनः स्पष्ट करूँगा कि हरियाणा स्टेट या कोई भी स्टेट इस तरीके के पानी को रोक नहीं सकता। ये पानी सिर्फ ऊपर डैम्स में रोका जाता है जो कि जितने डैम्स जहाँ हैं वहीं रुक पाता है, इसके अलावा नहीं रुक पाता। CM साहब की रिव्यू मीटिंग